दोस्तों, अगर आपके पास लावा ब्लेज एक्स 5G फ़ोन है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फ़ोन में आप ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं और उस ऐप को आप जो लॉक करेंगे उसको फिंगरप्रिंट की सहायता से कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी फिंगरप्रिंट ऐप लॉक आज आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में जाना है फ़ोन के, और यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। जैसे ही आप ऐप लॉक फिंगरप्रिंट लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको ये वाला जो है एसपी सॉफ्ट लिखा हुआ, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि ये हमने कई बार इस्तेमाल किया है और ये हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको बिल्कुल सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी इंस्टॉल होता है और इजी, इसका सेटिंग भी इजी है। आपको ओपन करना है इसको। ओपन करने के बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी मास्टर पिन बना लीजिए 4 अंकों का, और सही के स्थान पर क्लिक करेंगे, वही पिन फिर से हम कन्फर्म कर देंगे और यहाँ सही के स्थान पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो हम यस कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ये ओपन हो चुका है। अब प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। जो भी ऐप आपके फ़ोन में दिख रही हैं, किसी को भी ऐप को आप लॉक कर सकते हैं। जैसे हम देखिए एक्सिस बैंक मोबाइल जो है इसको हम लॉक कर दे रहे हैं, और साथ में कोई भी ऐप आप लॉक, क्रोम को लॉक करना है क्रोम को लॉक कर दे रहे हैं। अब देखिए प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा है ऐप लॉक, ये इनेबल दिख रहा है, इसको ओके करेंगे। अब देखिए ये प्रोसेस करेगा, यहाँ पर लिखा है ऐप लॉक और नॉट अलाउड है, इसको हम इनेबल करेंगे, फिर से ओके करेंगे, और एक बार फिर से ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे और ओके कर देंगे। अलाउ पर क्लिक करते ही हमारी ऐप जो है वो लॉक हो चुकी है। अब आपने फिंगरप्रिंट अपना अगर लगा रखा है तो फिंगरप्रिंट की सहायता से आप ओपन कर पाएंगे इसको। अब देखिए आपको करके हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्रोम को लॉक किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर क्रोम को ओपन करेंगे तो ये देखिए अभी तुरंत फिंगर मांगेगा, ये देखिए फिंगर मांग रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऐप लॉक लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट वाला।